नवरात्रि में कन्या भोज के लिए खीर बनाते समय सिलेंडर में लगी आग का मामला। आग में झुलसे 3 लोगों की इलाज के दौरान हो चुकी है मौत। 7 लोगों का इलाज है जारी। सपा का डेलीगेशन मृतकों व घायलों के परिवार से मिला। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने मृतकों को 1,00,000 व घायलों को 20,000 रुपए नकद दिए। 10 अक्टूबर को सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बसंत नगर में हुई थी घटना। सिलेंडर से हादसा हुआ था, वहाँ आप लोग आए हैं, क्या है मामला? बड़ा दुखद हादसा है। 3 बहुमूल्य जिंदगी समाप्त हो गई, 7 लोग घायल हुए हैं और इस दुखद घटना की जैसे ही जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे बुला कर के कहा कि अगर उपचुनाव में और बाकी चुनाव में व्यस्त ना होता तो मैं जरूर जाता। और बुंदेलखंड से स्वर्गीय नेताजी का भी बहुत लगाव रहा है और मेरा भी लगाव है, तो जो लोग गए उसका कोई मूल्य तो हो नहीं सकता, वो हमारे अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमने खो दिए उनको। आप अपनी तरफ से उनके इलाज के लिए तो ये पार्टी फंड से उन्होंने अपने पास से 7 लोग जो घायल हैं उनको 20,000, जो 3 लोग नहीं रहे उनको 1,00,000 रुपया भेजा है और सबके प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की पार्टी की ओर से भी।